मुंगेली जिले के लोरमी इलाके में हाथी के हमले से गर्भवती महिला की मौत हो गई। इस हमले में दो ग्रामीणों के घायल होने की भी जानकारी है। पूरी घटना अचानकमार टाइगर रिजर्व एटीआर के अंतर्गत आने वाले गांव बसौनी की बताई जा रही है, जहां पिछले कई दिनों से हाथियों का झुंड विचरण कर रहा है। अचानक जो है यहाँ पर टाइगर रिजर्व के जंगलों में इन दिनों हाथियों के झुंड का आतंक कभी भी जारी हो जाता है। वहीं इस घटना पर जो है एटीआर के वनग्राम मंजूराहा के आश्रित गांव बसौनी की ये घटना यहां पर घटित हुई है, जहां पर हाथियों के तोड़फोड़ से गांव वालों के चिल्लाने की आवाज से कच्ची मकान में सो रहे बेगा दंपति उठ गए। बाहर हाथी को देखने के बाद पति पत्नी हाथी की दहशत से जान बचाने के लिए भाग रहे थे। इस दौरान गर्भवती महिला की साड़ी पैर में फंस गई और वो गिरकर घायल हो गई, जिसे इलाज के लिए सुबह एम्बुलेंस की मदद से लोरमी के सामुदायिक अस्पताल इलाज के लिए लाया जा रहा था कि अचानक बिचड़ा कछार पहुंचते ही महिला ने दम तोड़ दिया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ये आतंक से हुए थे, ये हमन सुते रहे 3 बजे रात के, रात के निकले तो हमन भागत रहे डर में, भागत रहे डर में, तब वो आवासक की गिरी से रहे गर्भवती 3-4 महीने की थी और पति सामने क्यों थे, और वजह से चोट को जीता लाट इन हॉस्पिटल पिंजरे में दम तोड़ दी। चित्रकंड ग्राम बसौनी जहाँ पर रात को लगभग 3 से 4 बजे के बीच 5-6 हाथियों का झुंड जो है वो गांव में आतंक मचा रहा था और 3-4 घरों को क्षतिग्रस्त किया, तो आवाज सुनकर जो राजकुमारी बैगा पति दूसरा बैगा उम्र 25 वर्ष की थी, जो गर्भवती भी थी 4 महीने, ये लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग ही रहे थे घर से, और उस दौरान महिला चोटग्रस्त हो गई और उसी दौरान उसको हॉस्पिटल लेकर के आ रहे थे, तो रास्ते में उसकी मृत्यु हो गई।